सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अनिल जैन जी, इस देश के किसानों के बहुत बड़े नेता और देश में राज्यसभा के सांसद आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और यहाँ की भावी विधायिका प्रेम लता जी, यहाँ के सांसद अजीज विजेंद्र सिंह जी, ओम प्रकाश जी शर्मा, हमारे राणा जी जिला के अध्यक्ष, और मैं ज्यादा आपके बीच में लिपा पोती नहीं करना चाहता क्योंकि समय बहुत कम है। साथियों, मैं आपके बीच में बहुत बार आया हूंगा, परंतु मैं आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी के मंच पे आया हूं। मैं इस बात को मान के चलता हूं कि दीन बंधु सर छोटूराम को किसान अपना रहबर नेता मानते थे, आज भी दिलों में दीन बंधु सर छोटूराम के प्रति श्रद्धा है, क्योंकि उन्होंने अपने जमाने में अपने शासनकाल में इस प्रकार के कानून बनाए थे कि दूध देने वाली गाय भैंस भेड़ बकरी रहने का मकान कोई साहूकार नीलाम और कुड़क नहीं कर सकेगा। साथियों, आज भी बसंत पंचमी के दिन लाखों किसान देश में नहीं दुनिया में इकट्ठे होकर के दीन बंधु सर छोटू राम का जन्मदिन मनाते हैं, और हरियाणा प्रदेश में विशेष तौर से चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, आप में दीन बंधु सर छोटू राम दिखाई देता है। और मैं विशेष तौर से आपसे कहना चाहता हूं, साथियों, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां अगर मैं प्रचार करने लग जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को तो नारा पहला लगाना अब आ गया, मेरे को भी आ जाएगा थोड़े दिन में। मैं फिर भी आप सबसे एक आग्रह करने के लिए विशेष तौर से आया हूं। देखना, तुम तो शायद कह देते हैं ना कई बार घर का तो भाई जोगी जोगना होता है, थारे लिए वीरेंद्र होगा, परंतु इस देश के किसानों की एक आवाज है। और मेरे मित्रों, अगर उचाना क्षेत्र में इन्हें घर घर जाना पड़ता है तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। आप तो ये कह दो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करो, काम तला हाथ देकर सो लो, आप चिंता ना करो, प्रेम लता सबसे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं। और साथियों, बोलना तो बहुत था, उद्गार बहुत थे कुछ कह दो, परंतु मैं इसी बात में मुकाता हूँ और अपनी बात सुना के जाता हूँ। भाई सुन ले, तुम भी थोड़ी देर की अगर मैं भी, एक गांव था और गांव के पास एक नदी बहती थी और नदी के पास उसमें एक झोपड़ी थी, झोपड़ी में एक भिखारी रहता था और उसके पास ही बहुत बड़ा दरखत था। साथियों, दरखत में पक्षी रहते थे और जब पक्षी रहते थे उसमें एक बंदर भी रहता था, और भाई बंदर देख रहा था कि जब भिखारी जाएगा भीख मांगने, इसकी झोपड़ी को आग लगा दूंगा। भिखारी भीख मांगने चला गया, बंदर ने झोपड़ी को आग लगा दी और एक चिड़िया बैठी थी, चिड़िया ने कहा अरे बंदर इसको आग मत लगा। कहने लगा कि नहीं, मेरी तो आदत है, मैं तो ये खतरनम करूंगा। तो उसने आग लगाई, चिड़िया ने उत्साह किया, जाकर के दरिया से यानी कि नहर से पानी लेकर के अपनी चोंच में आई और कोशिश करी कि बार बार चोंच में पानी लाती और उसे बजाती, तो बंदर कह रहा था तेरी इस पानी की बूंद से ये आग मेरी लगाई हुई बुझेगी नहीं। तो उसने कहा ये तो मैं भी जानती हूं, परंतु लिखने वाले लिखेंगे कि मैंने तो अपना धर्म निभा दिया, मैं आग बुझाने वाली थी, ये बंदर आग लगाने वाला था। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आपके मुकाबले में, जो प्रेम लता जी के मुकाबले में आए हैं श्रीमान जी, केवल 25 साल की उम्र में आया मुख्यमंत्री, आया मुख्यमंत्री, रास्ता छोड़ दो,
इन 40 साल तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने हो गया, आज तक तो मुख्यमंत्री बने नहीं। 25 साल में ना बाप की मानी, ना दादा की, ना दादी की, ना चाचा की, ना खाप की, और हमारे जैसे लोगों की तो मानने क्या नहीं थे जिसने 40 साल इस पार्टी को सींचा था। साथियों, आपके यहाँ पे जो दुष्यंत चुनाव लड़ने आया है उसे धूल चटाना और कहना संघर्ष से निकलता है रास्ता, और संघर्ष से रास्ता जब बन के जाएगा तो ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जब संघर्ष से निकल करके आपका रास्ता चुन करके प्रेमलता जी सबसे ज्यादा वोटों से जीत के जाएगी तो मैं समझूंगा कि किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, सब दुकानदार भाइयों का, कर्मचारी का सीना तन जाएगा। और हरियाणा में जो डॉक्टर नील जैन जी आपने नारा दिया है वो मेरे ख्याल में उचाना क्षेत्र अपना इतिहास नया लिखेगा। सबसे ज्यादा वोट प्रेम बकाजी को पड़ेंगे। आप आए आज से ही 15 दिन के लिए, आप यूँ सोच लो ये आपकी फसल है, साथ में तो अपनी जीरी आ रही है, कपास आ रही है, साथ में राजनीतिक अपनी यह फसल भी आई हुई है। इसे रात दिन मेहनत करके काटने का काम करना, छूटना करना, जोश के साथ होश की बहुत जरूरत है। एक एक मतदाता पर जाना, वोट पोल कराना, सबके हाथ पांव पकड़ के मनाना, यही कहने के लिए आया था। आपने मेरी बात सुनी, सबका बहुत धन्यवाद।